ईश्वर की बड़ी अनुकंपा से हमको जीवन में यह अवसर मिला है कि हम अपने जीवन को सत मार्ग की ओर लेके चले। भागवत जी के अंदर मंगलाचरण में बहुत सुंदर एक श्लोक आया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रुप्त संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भूमि भाव का। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि यहां शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि आखिर ये जो भागवत जी हैं, ये भागवत जी क्या है, कैसे प्राप्त हुई। तो ये जो भागवत जी है, ये निगम अगमों का जो ये जो वृक्ष है, आगम निगमों का वृक्ष जो है, उसका फल है भागवत जी। तो प्रश्न हुआ कि ये भागवत जी प्राप्त कैसे हुई। तो शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, ये श्री सुखदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। और आपने देखा होगा कि पेड़ पर जब फल लगते हैं ना, तो तोता उसी फल को चौंच मारता है जो फल पहले से मीठा होता है। या ये कहिए कि तोता जिस फल को चौंच मार दे वो फल मीठा हो जाता है। अब ये तो भगवान ये जाने कि ये क्या लीला है कि तोता उसी फल को चौंच मारता है जो पहले से मीठा होता है, या तोते के चौंच लगने से फल मीठा हो जाता है। तो ये जो भागवत जी हैं, ये सुखदेव भगवान के मुखार बिंद से हमको प्राप्त हुई है। अच्छा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, आप जब भी फल खाते हो तो उस फल में तो छिलका भी होता है, गुठली भी होती है। तो हम फल के छिलके को खाते हैं कि त्याग देते हैं, फेंक देते हैं? निश्चित रूप से फल के छिलके को त्यागा जाता है, गुठली भी हम त्याग देते हैं, पर ये जो भागवत रूपी फल है इसमें त्यागने युक्त कुछ भी नहीं है। यानी कि इस फल में केवल रस ही रस है, न छिलका है न गुठली है, इसमें त्यागने युक्त कुछ भी नहीं है, ये रस ही रस है। पीवत भागवतम रसमालयम, अब यहां बड़ी विचित्र बात आती है कि पीवत भागवतम, अरे भाई कथा को कोई पिया जाता है? कथा को तो सुना जाता है, श्रवण किया जाता है, तो फिर यहां पर पीवत भागवतम रसमालयम क्यों आया है? तो सुखदेव भगवान व्यास जी बड़े ज्ञानी हैं, ऐसे थोड़ी लिखा होगा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कलयुग का जीव बड़ा चंचल है, मन टिकने वाला तो है नहीं, और कहीं उसने जगत की जैसे चर्चा को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसे कथा को निकाल दिया, फिर तो बात कैसे बनेगी? जगत की चर्चा और कथा में तो बहुत अंतर होता है ना। तो बोले एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, फिर कथा सुनने का कोई अर्थ रह जाएगा? इसलिए पीवत रखा है, कहीं क्षण नहीं आया, सुनना नहीं आया, पीवत लिखा। बोले कि जब जीव किसी रस को पीता है, अमृत को पीता है, तो कहां से पीता है? मुख से। और पीने के बाद कहां जाएगा? अंदर जाएगा, हृदय में जाएगा। इसीलिए शास्त्रों ने लिखा, वेदों ने कहा, संतों ने कहा कि कथा को तो धारण कीजिए, तो पीवत भागवतम रसमालयम करके आया। क्या हुआ कि एक मेले में ना बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो चौं ओर जहां देखो लोग ही लोग, लेकिन एक दुकान के आगे तो बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए थे। तो एक संत वहां पहुंच गए, उन्होंने पूछा, भैया एक ही दुकान के आगे इतनी भीड़ लगा के क्यों खड़े हो? तो बोले, महाराज बात ही ऐसी है, उस दुकान में दो पीतल की मूर्तियां थी, और दोनों पीतल की मूर्ति एक की कीमत 1000, दूसरी मूर्ति की कीमत 10000। अब भाई धातुओं में अंतर हो तो कीमत में अंतर समझ में आता है, कि एक लोहे की हो, एक तांबे की हो, एक सोने की हो, एक चांदी की हो, तो समझ में आता है कि कीमत में अंतर होगा। लेकिन दोनों मूर्तियां कैसी थी? पीतल की। दोनों का भार एक जैसा, दोनों का आकृति एक जैसी, सांचा एक जैसा, लेकिन फिर भी उनकी कीमत में भारी अंतर था। सारे लोग मूर्तियों को हाथ में लेते, घुमा घुमू कर देखते,
लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि दोनों मूर्तियों में इतना अंतर क्यों है। तो वो संत जो थे वो भी अंदर गए, उन्होंने मूर्तियों को दोनों तरफ से घुमा घुमा कर देखा, बात को समझ में नहीं आई। तब उन्होंने अपने थैले में से कपास को निकाला और हाथ पर उसकी लंबी सी बत्ती बनाई, एक मूर्ति के कान में से डाला तो वो दूसरे कान में से होकर पार हो गई, और जब दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वो दूसरे कान से होकर पार नहीं गई बल्कि उस मूर्ति के पेट में समाने लगी। तो संत ने कहा कि जिसके एक कान से होकर दूसरे कान से बाहर निकल गई वही 1,000 की है, पर जिसके पेट में समा गई वो 10,000 की है। मेरी बात कहने का अभिप्राय आप समझ गए होंगे कि जो आपके एक कान से होके दूसरे कान से निकल जाए भला उस बात का भी कोई महत्व होता है? जो आपके हृदय में समा जाए, जिसे आप हृदय में धारण कर लो, कीमत तो उसी बात की होती है। इसे कथा सुनने की बड़ी विधा होती है, कथा सुनने की विधा होती है। कथा सुनने का अर्थ समझते हैं? जैसे वो आपने गाय को देखा कभी, गाय के आगे आप जब सानी करते हो, चारा डालते हो, तो गाय जल्दी जल्दी खा लेती है और उसके बाद में फिर बैठ करके धीरे धीरे निकाल करके जुगाली करती है, पचाती है, रस लेती है। ऐसे ही कथा सुनने की विधा होती है कि पहले व्यक्ति एकाग्र बुद्धि से मन और चित्त को एकाग्र करके कथा श्रवण करता है और उसके बाद घर जाकर के एकांत में अकेले में बैठ करके वो विचार करता है, जो बात उसके हृदय को प्रभावित करती है फिर उसका वो चिंतन करता है, मनन करता है, तभी तो कथा सुनना सार्थक है। नहीं तो पता चला यहाँ पर आए सुनकर के जाते जाते तो कथा सर के ऊपर से। इसे जिस प्रकार से गाय बैठ करके जुगाली करती है, रस लेती है, ऐसे ही भजनानंदी व्यक्ति पहले श्रवण करता है तन्मयता के साथ में और फिर उस पर मनन करता है, चिंतन करता है। पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका, मुहुरो रसिका भुवि भावुका। अरे भाई ये कथा तो हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं, पहले फलाने से सुनी थी, वहां सुनकर के आए थे, कितनी बार सुने। तो मैंने कहा मन में अगर ये विचार आ जाए कि ये तो हमने पहले सुन ली, कितनी बार सुने, इसका मतलब आपने कथा को श्रवण ही नहीं किया। जिस प्रकार एक नशेड़ी बार बार शराब के ठेके पर जाता है, उससे पूछो क्या मिल रहा है, वो कहेगा तुम्हें नहीं पता कि शराब में क्या है, जबकि मालूम है कि 4-5 घंटे के बाद ये नशा उतर जाएगा। रात को पीते सुबह तक नशा उतर जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता इसमें क्या है। तो फिर जिन्हें कथा सुनने की मस्ती होती है ना, वो तो प्रतीक्षा करते हैं कि कब कब प्रभु हम पर प्रसन्न होंगे, कब हमें हमारे सद्गुरु के भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। ये तो अंगूरों की ढली है, थोड़ी देर के बाद उतर जाती है, ये भी कोई नशा है। तो पूज्य दीदी माँ तो पियकड़ों को बहुत निमंत्रण देते हैं, वो तो कहते हैं कि आओ हम भी यहाँ पिलाएंगे तुमको, पर अंगूरों की ढली नहीं पिलाएंगे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को भी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से तू ऐसी नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। नशा भी कौन सा जो जिंदगी भर तक ना उतरे। मीराबाई ने अपने गुरुदेव की पी थी और एक बार रैदास जी के पावन शरण को उन्होंने, उसके बाद पूरी जिंदगी ठाकुर जी की का नशा उतरा नहीं, वो मस्ती नहीं उतरी। इसे नशा भी कैसा, कथा सुनने वाला जो रसिक होता है ना, उसको हर पल सिर्फ कथा सुनने में रस आता है, भजन सुनने में रस आता है, उसके जीवन की शुरुआत ही ऐसी होती है। रात तक उसके दिलो दिमाग पर मस्ती छाई रहती है। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना दिन नाई। जो कथा का नाम सुनकर अघाने लग जाए, अरे ये तो सुन ली, उसने भला कथा के मर्म को क्या जाना। कथा करने वाला सुनने वाला जो रसिक होता है, एक बड़े ही प्यारे संत हुए हैं तो मुझे उनकी वो बात का स्मरण आता है, वो कहते हैं कि अब तो कथा करते करते ऐसी चित्तवृत्ति बन गई है कि मन में से हर पल एक ही हुक उठती रहती है कि पूरे दिन या तो बैठ करके मैं कथा करता रहूं और नहीं तो महाराज कोई करे तो मैं उसकी बैठ करके कथा श्रवण करता रहूं,
ऐसी चित्त वृत्ति का बन जाना। अभी तो हम हमारा जो आधा दिन है ना, जिससे पहले तो मैंने कहा शास्त्र कहते हैं कि 100 वर्ष तक जीने का अधिकार है, तो अभी तो आजकल कोई 100 वर्ष तक जीता हुआ दिखाई नहीं देता। 60, 70, 80 साल तक तो राम नाम सत्य हो जाते हैं, उसमें से भी आधा जीवन हमारा सोने में चला जाता है, बाकी बचा हुआ समय हमारा खाने में, सोने में, भोगने में चला जाता है। बुद्धि की वहबों में, शरीर के पोषण में, मन के मनोरंजन में समय बीत गया। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास जैसी हमारी स्थिति हो जाती है। इसलिए याद रखिएगा बंधुओं माताओं, ये बार बार समय आएगा नहीं, और उनका बुरा नहीं है जो जानते नहीं है, लेकिन उनके साथ दुर्भाग्य जुड़ गया जो जानने के बाद भी अपने भाग्य को जो सौभाग्य में नहीं बना पाते।